बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी परदेसी फूड लैब। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के रेड वेलवेट शॉर्ट्स। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, पार्टीज़ के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, हम इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाएंगे और इसके स्टेप्स भी बहुत ही ईजी हैं, तो आप एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखें और इसे फॉलो करें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमने करना है कि जिस पैन में हमने इसको बेक करना है उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह ब्रश की मदद से हम इसे ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम इसको लाइन कर देंगे बटर पेपर के साथ। इससे ये होगा कि ये क्विक सा हमारा स्टेप है, इससे हमारा केक जो है वो चिपकेगा नहीं। तो अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है अपनी फ्लोर मिक्सर की प्रिपरेशन। तो मैंने मैदा लिया है उसके लिए 3/4 कप। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर 1 टेबल स्पून और फिर इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, बेकिंग सोडा इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून और साथ ही हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारा फ्लोर मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है, इसको अब हम साइड पे कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है बटर मिल्क की प्रेपरेशन। अगर आपके पास बना बनाया बटर मिल्क हो तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो इस तरीके से आपने 1/2 कप मिल्क लेना है, रेगुलर फ्रेश मिल्क जो होता है वो ले लें। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, तो हमारा बहुत ही बेहतरीन बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। अब हम आते हैं फाइनली इसके बैटर की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक लार्ज मिक्सिंग बोल में लिया है बटर 2 टेबल स्पून और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे कैस्टर शुगर 3/4 कप। इसको अब हमने 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से बीट करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफी सा हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा, अंडे का और सॉरी चीनी का और मक्खन का। फिर इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा। ये 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा से बीट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल 1/2 कप। ऑयल ऐड करते हुए हमने इसको बीटिंग को जो है वो कंटिन्यू रखना है और साथ ही हमने इसको और 5 से 10 मिनट बीट करना है। फिर इसके अंदर जो हमने अपना बटर मिल्क प्रिपेयर किया था वो ऐड कर देंगे। तो जी हमारा बटर मिल्क जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना फ्लोर मिक्सचर। 1 बाय 1 हमने अपना टेबलस्पून जो है उसको भर के इसके अंदर ऐड करते जाना है और इस तरीके से हमने साथ इसे बीट करते रहना है। ये देखें सारा मिक्सचर इसके अंदर ऐड करके हम इसे बीट कर लेंगे। मिक्सचर हमारा बीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड फूड कलर 3 to 4 ड्रॉप्स, या जितना भी आपको रेड कलर इसका पसंद हो आप उतना ही इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा इसके अंदर रेड कलर आ गया है। तो ये हमारे रेड वेलवेट केक का मिक्सचर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। देखें कितना स्मूथ सा और फ्लफी सा हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम अपनी उस बेकिंग डिश में डाल देंगे जिसको हमने पहले लाइन किया था बटर पेपर के साथ, और अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है। केक टेस्टर हम इसके अंदर डाल के देखेंगे। ये देखिए हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। आपके पास केक टेस्टर अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल एक टूथपिक लें, अगर आपका टूथपिक क्लीन बाहर आए तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल बेक्ड है। तो ये देखें इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, कूलिंग रैक पे हम इसे निकाल लेंगे। फिलहाल हमने इसको कट वगैरह नहीं करना, सिर्फ कूलिंग रैक पर निकाल के तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम अपने रेड वेलवेट शॉर्ट्स की फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए ली है मैंने क्रीम चीज। क्रीम चीज हम लेंगे 1 कप, इसको हम बीट कर लेंगे।
थोड़ा सा बीट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, ये मैंने ली है 2 टेबलस्पून, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इसको बीट करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर वनीला एसेंस डाल देंगे 1/4 टीस्पून या फिर 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो क्रीम चीज़ का हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है। अब एक सेपरेट बाउल में हम लेंगे व्हिपिंग क्रीम 1/2 कप, इसको हमने अब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्ती बीट हो चुकी है, बहुत ही फ्लफी हो चुकी है। तो अब इस क्रीम चीज़ के मिक्सचर के अंदर हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम को ऐड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी ऐड करके इसको बहुत ही जेंटली हमने फोल्ड करना है। ये देखें थोड़ी थोड़ी हम अपनी व्हिप्ड क्रीम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और बहुत ही जेंटली इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। और ये देखें हमारी जो क्रीम है वो क्रीम चीज़ मिक्सचर के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती मिक्स हो चुकी है और कितना ही स्मूथ और फ्लफी सा हमारा जो मिक्सचर है फ्रॉस्टिंग का वो रेडी हो चुका है। और अब वहाँ पे हमारा केक भी ठंडा हो चुका है, इसको हम बीच में से जो है वो हाफ कर लेंगे। इसको कट करने के बाद अब हमने किसी छोटे कुकी कटर से इसको हमने कट कर लेना, जिस ग्लास में भी आप शॉर्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं उस ग्लास के हिसाब से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो मेरा ग्लास इस तरह का था जिसकी बेस में केक का छोटा पीस जाएगा, तो उसको हम उसी हिसाब से कट करेंगे। और उसके बाद फिर आपका जिस किस्म का भी मोल्ड हो, जिस किस्म का भी आपका सर्विंग ग्लास हो, उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आपको उसके लिए स्पेशल किसी कटर की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसी ग्लास को उसके ऊपर रख के तो ईज़िली कट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी क्रीम चीज़ के मिक्सचर को जो है वो पाइपिंग बैग में ऐड कर लेना है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिंपल स्पून की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। पाइपिंग बैग का ये मकसद होता है कि इससे जो आपका मिक्सचर है वो बहुत ही इवन लेयर में डलता है और इसमें बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है। तो इस तरह हमने ग्लास में पहले केक लगाना है और उसके ऊपर अपना क्रीम चीज़ का मिक्सचर स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद जो हमने केक के पीसेस कट किए थे उसको हमने लगा देना है और उसके ऊपर फिर से हम क्रीम चीज़ का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर देंगे। और फिर फाइनल लेयर भी हमने केक की लगाने के बाद उसी तरीके से पाइपिंग बैग से हम क्रीम चीज़ का जो मिक्सचर है वो इसके ऊपर पाइप कर देंगे। इस तरीके से पाइप करने के बाद एक स्पैचुला या फिर स्पून की मदद से आप उसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें और उसकी जो है वो एक इवन लेयर बना लें। ठीक है, देखें सारे ग्लासेस में हमने एक इवन लेयर बना ली है अपनी क्रीम की मिक्सचर की। और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे इन केक क्रम्स के साथ, जो केक कटिंग करते हुए हमारे पास थोड़े से क्रम्स रह जाते हैं उसके साथ ही आप इसको गार्निश करें, उससे इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी रिवीलिंग सी लुक आती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के रेड वेलवेट शॉर्ट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।